ৰাম মন্দিৰক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ ধৃষ্টতা সমাজবাদী নেতা ৰাম গোপাল যাদৱৰ। আকৌ এবাৰ ৰাম মন্দিৰক অপমান, সনাতনী সংস্কৃতিক তুচ্ছ কৰাৰ লক্ষ্য। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে নতুন বিতৰ্ক, ৰচনা হৈছে নতুন চিত্ৰনাট্য। দেশবাসীৰ সপোনৰ ৰাম মন্দিৰক হেয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে চিত্ৰনাট্য ৰচিছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব ৰাম গোপাল যাদৱে। দেশজুৰি ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে ৰাম মন্দিৰক বেকাৰ আখ্যা দি বাস্তু আৰু নক্সাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা ৰাম গোপাল যাদৱে। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है जो हम रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है और क्या। मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना उसका, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर। समाजवादी पार्टी दुर्ग মেইনপুৰীত মুলায়ম সিং যাদৱৰ বোৱাৰী ডিম্পল যাদৱক ভোট দিবলৈ যাদৱ পৰিয়াল একগোট হোৱাৰ সময়তে ৰাম মন্দিৰক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান ৰাম গোপাল যাদৱৰ। कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है तो समाजवादी पार्टी और एनडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। इनके लिए वो उत्तर प्रदेश अच्छा था जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम और छोटा शकील के लिए जाना जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री रामचंद्रक अपमान करा समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादवर मुखा खुली दिले बीजेपी नेता शहजाद पुनावाला। पर केवल हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू को दो गाली ताकि मेरे वोट बैंक की ताली, ये बन चुका है इंडिया अलायंस का चरित्र। और इसीलिए लगातार राहुल गांधी कहते शक्ति का मैं विरोध कर रहा हूं, हिंदू धर्म की शक्ति का, सनातन बीमारी है ये खड़गे जी के पुत्र ने कहा, सनातन समाप्त करना उदयनिधि स्टालिन ने कहा, पूरी के पूरे विश्वास पर चोट करने वाला ये बयान, अपमानित करने वाला ये बयान, ये राम विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का। राम मंदिर को अपमान करार यह प्रथम घटना न है। मंदिर मुकलिर पूर्वे डीएमके नेता के धरी कांग्रेस बहु नेताए रचना करिसे एकाधिक चक्रांत। নির্বাচনী প্রচারৰ মাজতে কংগ্রেসৰ যুবরাজ রাহুল গান্ধীৰ অভিসন্ধি পোহৰলৈ আনিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। কংগ্রেস কে শাহজাদে কা ইরাদা রাম মন্দির পর সুপ্রিম কোর্ট কে ফেসলে কো পলটনে কা হ্যায়। জেসে শাহজাদে জি নে পিতাজি নে সহবানো কেস মে সুপ্রিম কোর্ট কা ফেসলা পলটা থা, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। केवल इमानी नहीं, चलित सप्ताह राम मंदिर दर्शन करार पाछत दलीय कार्यालय निगृहित हुईसिल दिल्लीर कांग्रेस नेत्री राधिका खेरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आबद्ध करी आक्रमणर अभियोगत इतिम्य कांग्रेस एरी बीजेपी चुप दिछे राधिका खेरा। जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री रामचंद्र अपमान घटनाएं निश्चित भाव उत्तप्त कर रखी 2024 समग्र निर्वाचन प्रक्रिया। News Desk, News 18, Ahom Northeast.